का प्रयास करना है तो बहस पीछे क्यों नहीं है। और आपको मालूम है 1 दिसंबर से अब तक अभी आज नहीं बढ़ाए गए, घबराइएगा एलपीजी के दाम नहीं बढ़े, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े, पर 290 रुपए 50 पैसे कीमत बढ़ चुकी है पिछले 9 महीनों में, इस बार क्या बढ़ा? अब वो बताना जरूरी है जो कमर्शियल गैस है, जिनको आप घर में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, वो 14 किलो 200 ग्राम का होता है, 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर रेस्टोरेंट होटल्स ढाबे चाइनीज सब महंगा हो गया, उसकी कीमत में सारे 43 रुपए का इजाफा कर दिया, 43.5 रुपए अब इसकी कीमत तेल बढ़ा हुआ है 1,736 रुपए होगी, पकाने का तेल बढ़ जाएगा तो फिर क्या वड़ा पाव मिलना मुश्किल हो जाएगा, वड़ा पाव 20 रुपया सीधा। आपकी हैसियत के मुताबिक या स्वाद के मुताबिक बहुत से लोग ढाबे पर ही खाना पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से ही, खाना चाहे सस्ता हो स्वादिष्ट बहुत होता है, जायका अलग ही है, वहाँ पर भी दाम बढ़े पर सबका प्रयास चल रहा है, तो CNG और PNG पीछे क्यों रहेंगे? अब CNG के दाम